देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनु के साथ हैं। तो प्रोफेसर अनु से जानते हैं कि 26 जनवरी महज हमारे लिए एक तारीख है या इससे बढ़कर कुछ और? ये जो 26 जनवरी का दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर नागरिक के लिए, क्योंकि ये अपने आप में ये दर्शाता है कि सभी जो है नागरिक जो है स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और सबको ही अपने सम्मान के लिए और अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सबको सम्मान मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी की अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वता है, पर मुझे लगता है कि इसका जो तात्पर्य है मनाने का, वो यही है जब हमारे देश से असमानता खत्म हो जाएगी, जब हमारे देश के सभी नागरिक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेंगे, किसी भी तरीके का भेदभाव रंग जाति नस्ल के आधार पर यहाँ पर नहीं हम जो है ना महसूस करेंगे, यही इसका उद्देश्य है। मैंने यहीं से हिंदी किया है। 26 जनवरी सिर्फ महज एक तारीख नहीं हमारे लिए, मैं चाहता हूँ कि देश में एक अच्छा सुशासन हो, सबको रोजी रोटी रोजगार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले, ऐसा शासन हो जिसमें सबका बंधुत्व हो, सअस्तित्व हो, भागीदारी हो, और ख़ास करके विशेषकर जो वंचित तबके हैं, मैं चाहता हूँ वैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, जो तो भारत में कहीं भी किसी भी कोने में जाए तो उनके साथ एक शिष्टाचार का भी आदर से उनके साथ पेश आए, कोई भेदभाव न रहे। मैं ऐसे ही भारत की सौरभ मौर्य है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। 26 जनवरी वह दिन है जब भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान लागू होने का अर्थ ये है कि जाति धर्म संप्रदाय इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के हमने ये माना कि सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तरीके के जिस समाज में जितने भी प्रकार के वर्गीकरण हैं, उन सभी वर्गीकरणों को लेकर के एक साथ सबको लाकर खड़ा कर दिया। इसी वजह से ये 26 जनवरी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज़ादी तो हमें मिल गई थी 15 अगस्त को, लेकिन दरअसल उस आज़ादी का हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे, उसको हम चलाएंगे कैसे, उस आज़ादी को अपने सबसे नीचे तबके के व्यक्ति को फ़ायदा कैसे पहुँचाएंगे, इसका रूपरेखा जो बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशन में बनी और उसको संविधान को लागू किया गया इस दिन, इस वजह से ये 26 तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि 26 तारीख को सभी लोग एक बार संविधान के प्रस्तावना का पाठ करें, उसके जो उनमें जो बातें हैं उसका आत्मसात करें और उसको लागू करने की किस तरह मनाना चाहिए, किस तरह लोगों को क्या मैसेज देंगे। मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि सभी को धर्म जाति और कहते विभिन्न गुटों से बट के ना हमें एकजुट होकर संविधान के प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और बंधुत्व और न्याय के लिए जो बाबा साहब जो कह के गए हैं उस पर, उनके सपनों का भारत जो बनाने की बात कही गई है उसको हमें लागू करना। 26 जनवरी तो मना रहे हैं, एक तरह से एक फॉर्मेलिटी है भारत सरकार की भी और हम सब की भी, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्हें हम याद नहीं कर रहे हैं, तो उनके नाम से एक दिन झंडा फहराते हैं और उनके गीत प्रोग्राम कॉलेज स्कूल्स में होते हैं, लेकिन क्या वाकई में यह यथार्थ है, इसे मिथक है, इसे झाँक कर हमें देखना होगा। मैं तो ये मानती हूँ कि 26 जनवरी का यथार्थ तो मिथक झूठ और सच हमें अब जानना होगा, क्योंकि आज़ादी के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोग सामाजिक न्याय के लिए, कोर्ट में कितने मामले हैं आप देख लीजिए, 26 जनवरी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी आज़ादी कितनी है। हमारे पास आज न्यायिक व्यवस्था में जज नहीं है, जज की बहुत कमी है, उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास आज भी कितने तरह के मामले हैं जो रद्द पड़े हुए हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कि हमें कितनी आज़ादी, कि आज हम सिर्फ संविधान के लिए ही लड़ रहे हैं, मीडिया अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, मीडिया के पास भी आज़ादी नहीं है, आज़ादी की परिभाषा यदि हम कहें तो 26 जनवरी महज एक औपचारिकता है। मेरा नाम माधवी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ और 26 जनवरी महज मेरे लिए एक तारीख नहीं है, एक ये राष्ट्रीय दिवस है और इसे एक फेस्टिवल के रूप में मनाना चाहिए, और जैसे हमारे देश के युवा वर्ग हैं और कुछ परिवार हैं तो इस दिन के लिए जैसे घर में बैठे हैं तो इस दिन अपने बच्चों से अपने परिवार से ये चर्चा करनी चाहिए कि आज के दिन हम स्वतंत्र हुए थे, इस स्वतंत्रता से आज हम खुली हवा में एक उन्मुक्त पक्षी की तरह हम उड़ सकते हैं और एक खुली हवा में सांस ले सकते हैं, तो यही मैं संदेश देना चाहूँगी सभी को कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने बच्चों बुजुर्गों को आपस में परिवार में बातें करनी चाहिए और इस स्वतंत्रता दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए।